प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों की बस्तियों को सभी मौसमों में कारगर सड़कों से जोड़ना। इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण ग्राम सिमलढाब के सिमोन हंसदा के साथ अन्य 300 लोगों को सड़क नहीं होने के कारण से आने जाने की परेशानियां होती है, जिसके कारण अभी तक 60 से 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं मेरी निशा हंसदा, ये है मेरा आदिवासी संताल समुदाय। हम लोग एक पेशेंट को लेकर अभी करीब 4 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग बहुत दिक्कत से हम लोग घर से निकल पाए हैं। हम लोग इसको ढो करके जहाँ रोड का लिंक हुआ है, जोड़ है, वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा पाए हैं। और उसके पहले हम लोग बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। और अभी तक जहाँ रोड का बहुत बड़ा समस्या है, अभी तक रोड नहीं होने के कारण हम लोग इसको ढो करके ला रहे हैं, नहीं तो हम लोग गाड़ी से घर से हम लोग जल्दी इसको पहुँचा सकते थे हॉस्पिटल। अभी तो 20 से 30 साल करीब हो गया है, अभी तक यहाँ पर कोई रोड नहीं बनाया है। कोई हमारे जो MP MLA है या तो फिर सरकारी डिपार्ट से कहीं, मतलब ये रोड बनाने का कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 23 तारीख के मामला है ये, महीना थी अगला महीने में। वो महीना में मेरा वाइफ डलवारी था, वो भी कंधा में ले के सुंदर पहाड़ी तक गए। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क होना चाहिए। सब तरह से हम लोग वंचित हैं। एक तो सुंदर पहाड़ी मतलब पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी बहुत दूर हम लोग के लिए पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए भी बहुत दूर पड़ता है हम लोग के लिए। अच्छा, लगभग कितने दूर? हम लोग डिस्ट्रिक्ट जाते हैं कम से कम 55 किलोमीटर, और पुलिस स्टेशन शायद होगा इतना 35 लगभग तो होना चाहिए, हो जाएगा वहाँ। वही रोड के कारण हम लोग हॉस्पिटल पेशेंट को ले जा नहीं पाते हैं, और इस कारण मतलब टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है। और यही कारण है हम लोग का, मतलब सब तरफ से हम लोग का रोड का ही प्रॉब्लम, और नहीं विकास नहीं होने का कारण केवल रोड है। अभी तक जो रोड नहीं बना, इस पर आप किनको दोषीदार मानते हैं? कौन है दोषीदार? दोषीदार तो देखिए ठेकेदार है, और उसको हैंडल करने वाले जो एक दो पदाधिकारी हैं, और जो बोलेंगे कि शायद क्षेत्र एरिया को हैंडल करता है जो पार्टी के लोग, जैसे JMM के लोग भी हैं, वो लोग भी ऐसे दलाली ही बात करते रहते हैं। कभी इसके पक्ष में जहां खर्चा मिले वहीं दौड़ पड़ते हैं वो लोग। और हम लोग तो कोशिश करते हैं, अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग का कोशिश को नकार दिया जाता है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी हमारी समुदाय की मदद के लिए हमारे गोड्डा जिला के उपायुक्त का नाम हर्ष मंगला है, तथा उनका मोबाइल नंबर 9431134597 पर फोन कर हमारी सहयोग करें। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहद के लिए।